नमस्कार, मैं उरचा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार में जब से सरकार बदली 28 जनवरी को तेजस्वी यादव ने सरकार के टूटने का एक बार फिर से दावा कर दिया। उसके बाद से सीएम नीतीश कुमार की टेंशन अब जग जाहिर है। आपको बता दें कि बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, यानी कि इस फ्लोर टेस्ट में सरकार को बहुमत के आंकड़े को पेश करना है। यह आंकड़ा है 122 का। अब इसी आंकड़े को छूने के लिए सभी पार्टियां लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है कांग्रेस की तरफ से, महागठबंधन सरकार की तरफ से। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को बुला लिया हैदराबाद। उसके बाद से बीजेपी भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि कैसे वो अपने तमाम विधायकों को इंटैक्ट करे, ताकि उनके विधायक महागठबंधन की जो पार्टियां हैं उनके संपर्क में ना आए, जो बहुमत का आंकड़ा है वो आसानी से छू पाया जा सके। यही वजह है कि बीजेपी ने प्रशिक्षण के ही बहाने, लेकिन बोधगया में सभी विधायकों को बुला लिया। बोधगया में जितने भी बीजेपी के विधायक है वो वहां पर पहुंचेंगे और वहां पे आगे की रणनीतियां बनाई जाएंगी। लेकिन यहां तक तो ठीक था। खबर तब से शुरू होती है जब जैसे ही तेजस्वी यादव बड़ा दावा करते हैं कि बड़ा खेला हो सकता है बिहार की सियासत में। अब इसी खेल के बाद, इसी दावे के बाद बिहार की सियासत में भूचाल मच जाता है, हलचलें जो है वो तेज हो जाती है। होता यह है कि सीएम नीतीश कुमार की कवायद में भी अपनी पार्टी को इंटैक्ट करने की कोशिशें तेज हो जाती है, जो इससे पहले नहीं देखने को मिल रही थी। जब से आरजेडी की तरफ से ये दावा किया जाता है कि आरजेडी लगातार जेडीयू के विधायकों के संपर्क में है और जेडीयू के कई ऐसे विधायक हैं जो जेडीयू पार्टी में बड़ी टूट की कवायद कर सकते हैं और बड़ी टूट करा सकते हैं, ऐसे विधायकों को कहीं ना कहीं आरजेडी इंटैक्ट करने की कोशिश, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। अब यही वजह रही, इसी दावे के बाद जेडीयू काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और अब नीतीश कुमार ने अभी अपनी अगुवाई में एक्शन ले लिया। एक्शन क्या लिया है, तो सबसे पहले जेडीयू ने इंटैक्ट करने के लिए एक भोज का आयोजन कर दिया। जेडीयू के मंत्री हैं श्रवण कुमार ने भोज का आयोजन किया शनिवार। शनिवार की दोपहर जितने भी जेडीयू के विधायक हैं वो भोज के आयोजन में वहां पर शामिल होंगे। हालांकि यहां पर आयोजन सिर्फ खाने पीने को नहीं रखा गया, इस आयोजन में कहा जा रहा है कि विधायकों को इंटैक्ट करने की पुरजोर कोशिश की जाएगी, उनसे वार्तालाप करने की कोशिश की जाएगी कि कहीं से भी कोई कॉल या मैसेज आए तो उसको आपको रिप्लाई नहीं करना है, आपको इंटैक्ट रहना अपनी पार्टी के साथ। तो शायद यही वजह रही कि भोज के बहाने ही खुश करने की कोशिश विधायकों को की जा रही है, ये एक वजह। दूसरी वजह कि इसी भोज के एक दिन बाद यानी कि रविवार को मंत्री विजय चौधरी ने भी जो विधायक है उनके साथ एक मीटिंग बुलाई है, बैठक होगी और इस बैठक में आगे की रणनीतियां बनाई जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जोड़ तोड़ छोड़ की जो राजनीति है वो बिहार में तेज है, लेकिन क्योंकि फ्लोर टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 22 फरवरी को तय होगा कि सरकार तो नीतीश की है लेकिन वाकई वो सरकार रह पाती है या नहीं, या फिर नीतीश कुमार के हाथ में सरकार आते आते वो सरकार फिसल जाती है और एक बार फिर से बिहार में खेला हो सकता है। अब इसी खेल को बदलने की कवायद दोनों गठबंधन की तरफ से की जा रही है। भले ही महागठबंधन में तेजस्वी यादव की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बड़ा खेल हो सकता है, उलटफेर हो सकता है, लेकिन अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की तरफ से भी लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो विधायक उनको इंटैक्ट किया जाए, ताकि जो बहुमत का जो आंकड़ा है वो पार किया जा सके। अब ये बहुमत, ये जो मैजिकल नंबर है उसको कैसे पार पाया जा सके, इसको लेकर लगातार बिहार में सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। शायद यही वजह रही कि तेजस्वी यादव ने नीतीश की टेंशन बढ़ा दी और नीतीश कुमार ने अपनी कवायद तेज कर दी।